जय माता दी, जय माँ का मां भगवती जगत जननी अद्धिशक्ति भवानी के परम पावन पूज्य चरणों में शत शत नमन प्रश्न ये है एक पीड़ित व्यक्ति है उसका प्रश्न है ये आपका भी हो सकता है उनका कहना है कि हम दुर्गा मां की चालीसा का पाठ करते हैं तो फल तो मिलता है लेकिन कष्ट और समस्या कम नहीं हो रही है रात में डरावने सपने तथा भूत प्रेत परेशान करते हैं इन सब से निजात कैसे पाया जाए और यह भी बताया गया है कि घर में सभी व्यक्ति शारीरिक कष्ट व बीमारी से परेशान हैं। तो कुछ उपाय या मार्गदर्शन बताइए दुर्गा मां की चालीसा का पाठ करने से फल तो मिलेगा क्योंकि आप मां भगवती को याद कर रहे हो लेकिन जो पढ़ना चाहिए आप वो नहीं पढ़ रहे हो दुर्गा चालीसा के साथ साथ दुर्गा जी के बत्तीस नाम का पाठ करना चाहिए कुंजी का स्त्रोत का पाठ करना चाहिए दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करना चाहिए श्री दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का पाठ करना चाहिए या फिर चतुर्थ अध्याय का पाठ करना चाहिए तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी कष्ट समस्या कम करना हो तो इनका पाठ करने के बाद में दशांश हवन भी करना चाहिए होम यज्ञ उसको हवन कहा जाता है हवन जो है काले तिल घी शकर जो कमलगट्टे अगर तगर कपूर काचली जटामासी नौ देवियों की जो जड़ी बूटी होती है उनको मिलाकर के हवन करना चाहिए तो ज्यादा फायदा करेगा आपके घर से जो है कष्ट और समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी एक साथ तो समाप्त नहीं होगी अब रात को यदि डरावने सपने आते हैं जिस जिसको भी रात को डरावने सपने आते हो भूत प्रेत रात को परेशान करते हो नींद नहीं आने देते हो गला दबा देते हो छाती पर बैठ जाते हो पैर को छू लेते हैं शरीर के अंगों को छू लेते हैं और कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो स्त्रियों के साथ सहवास भी करते हैं संभोग भी करते हैं और कुछ स्त्रियां भी होती हैं प्रेतनियां पुरुषों के साथ में करती है तो इनसे निजात कैसे पाया जाए इनसे निजात पाने का साधारण सिंपल तरीका है कि आप रोजाना कम से कम सत्तावीस बार हनुमान चालीसा और सत्तावीस बार ही बजरंग बाण का पाठ करें और फिर घर के अंदर लौंग पीली सरसों उड़द काले तिल काली राई काली मिर्च काली जीरी इन सब को मिला लें एक एक चम्मच ले लें हाथ में और पूरे घर में से घुमा करके पूरे घर में एक परिक्रमा कर लें क्लाकवाइज और ये सब सामान अपने ऊपर से भी उतार लो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से भी उतार लो जिसको बीमारी है कष्ट है रात को पूरे सपने आते हैं जिस चीज को दबाती है उस व्यक्ति के ऊपर से सिर के बाल खुले करके रबर बैंड या इलास्टिक या रबर या कुछ भी नहीं होना चाहिए बाल खुले करवा लीजिए यदि किसी प्रकार का को कोई गंडा ताविज पेन रखा है तो उसको भी निकलवा दीजिए और उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेके पैर तक सात बार उतार करके घर के बाहर लकड़ी में या कोयले में जला दो पर अंगारे पहले से तैयार कर लो ऐसा रोज करो कुछ दिन लगातार इकतालीस दिन तक निश्चित तौर से आपको सफलता अवश्य मिलेगी प्रयास करिए हमारा धर्म है आपको ज्ञान देना और आपका धर्म है कि हमने जो ज्ञान दिया इसका प्रयोग करो तो यदि रात में डरावने सपने आते हो भूत प्रेत परेशान करते हो और शारीरिक कष्ट हो बीमारी हो ये सब ऊपरी बाधा की वजह से होता है पूरा घर परिवार में एक न एक व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता हो पैसे पे पैसे लगते जाते हो तो मानकर के चलो निश्चित तौर से ऊपरी बाधा लगी हुई है उसका इलाज आपको इसी तरीके से करना है और ऐसे मनुष्य को जो बीमार पड़े रहते हैं जो घर परिवार बीमार है तो उनको काली मां के मंदिर जाके दर्शन कराइए हनुमान जी के मंदिर जाके दर्शन कराओ भैरव जी के मंदिर ले जाके दर्शन कराइए और पांच परिक्रमा अवश्य करवाइए वहां पर उड़द के आटे का दीपक लगाइए चार बत्ती वाला सरसों के तेल का तिल के तेल का या चमेली के तेल का निश्चित तौर से धीरे धीरे आप में विल पावर बढ़ने लगेगी इच्छा शक्ति बढ़ने लगेगी और आपको सुखी जीवन व्यतीत आपका होने लगेगा जय माता दी जय मां का मख्या